बेसिक कंसिडरेशन इन डिज़ाइन ऑफ मल्टी स्पीड गियर बॉक्स। तो हमें कौन कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान में रखकर हमारे गियर बॉक्स के स्पिंडल स्पीड्स को अरेंज करना है और उसे डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि द ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्पिंडल स्टेप्स, हमें जो स्पिंडल स्टेप्स हमें डिज़ाइन करने हैं, वो हमें बनाने हैं, वो ऑप्टिमम नंबर से करने हैं। जैसे कि द टोटल स्पिंडल रेंज ऑफ द मल्टी स्पीड ड्राइव शुड बी डिवाइडेड इंटू द ऑप्टिमम नंबर, कि जिससे कुछ ज़्यादा भी नंबर होने जाए और कम भी ना हो पाए। ऑफ द स्पीड स्टेप्स विथ इंक्रीमेंट्स बिटवीन 10% and 15%, तो जो दो स्पिंडल स्टेप्स के बीच में जो गैप रहेगा स्पीड का, वो कुछ 10% या 15% ही होना चाहिए। 1 to 2 gear, 2 to 3, उन दोनों में जो वेरिएशन आएगा स्पिंडल स्पीड का, वो 10% से 15% तक ही होना चाहिए, कुछ ज़्यादा ना हो जाए, जिसकी वजह से अगर कोई लोड उस पर लगे। नाउ द सेकेंड वन इज़ द स्पीड चेंजेस विदाउट स्टॉपिंग द इलेक्ट्रिक मोटर। तो स्पीड हम चेंज करेंगे तो बार बार हमें कोई इलेक्ट्रिक मोटर को स्टॉप करने की नौबत ना आए, उस तरह से हमें गियर बॉक्स को डिज़ाइन करना है। द मल्टी स्पीड ड्राइव शुड बी सच दैट ऑल द स्पिंडल स्पीड स्टेप्स शुड बी ऑप्टेन विदाउट द स्टॉपिंग द मोटर। मोटर को हमें स्टॉप्स करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। नाउ द थर्ड वन इज़ द डिज़ायर्ड स्पीड चेंजेस डायरेक्टली। द मल्टी स्पीड ड्राइव शुड फैसिलेट द डिज़ायर्ड स्पीड चेंज विदाउट द पासिंग थ्रू ऑल द इंटरमीडिएट स्पीड स्टेप्स। तो हमें कोई भी स्पिंडल स्टेप्स को हमें अरेंज करना है, अगर उसको कंटिन्यू में लाना है, तो हमें हर एक इंटरमीडिएट स्पीड स्टेप से होकर गुजरने पड़ने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि अभी हम 5th gear में काम कर रहे हैं और हमें रिवर्स लेने की बारी है, तो हम डायरेक्टली न्यूट्रल में डालकर रिवर्स ले सकते हैं, कुछ इस तरह से। और इंटरमीडिएट जो स्पीड स्टेप्स है उनमें से हमें पसार होने की ज़रूरत ना पड़नी चाहिए, ऐसे कुछ हमें अरेंज करना है। नाउ द वन सेट ऑफ गियर्स एंगेजमेंट एट वन टाइम। तो एक ही सेट है गियर का, उसे हमें एक टाइम में ही एंगेज रखना है। 5th और 1st gear है, वो दोनों गियर स्पिंडल स्पीड्स एक ही टाइम पर अरेंज नहीं हो सकते, या तो 5th एक्टिव रहेगा या तो 1st gear स्पिंडल स्टेप्स। इन द मल्टी स्पीड ड्राइव्स ओनली वन सेट ऑफ गियर थ्रू विच द स्पीड इज ऑब्टेन्ड। तो एक ही गियर के एंगेजमेंट से हमें उस गियर की हमें स्पिंडल स्पीड मिलनी चाहिए। शुड बी एंगेज एट द व्हाट टाइम, ओके। नाउ द यूज ऑफ मिनिमम पॉसिबल पार्ट्स। तो हम जो गियर्स, शाफ्ट्स, बेयरिंग एंड लीवर्स, जो भी हम अलग अलग कंपोनेंट यूज़ करें, वो हमें मिनिमम करनी चाहिए, कि जिसकी वजह से कुछ लोड न बढ़ सके। नाउ द 6th one इज इकोनॉमिकली डिजाइंड एंड सेंट्रलाइज द कंट्रोल यूनिट। तो द कंट्रोल यूनिट ऑफ द मल्टी स्पीड ड्राइव शुड बी लोकेटेड सेंट्रली। तो हमें जो ये गियर बॉक्स को हमें प्लेस करना है, वो सेंट्रली प्लेस करना है, जिसका मेन रीज़न ये है कि हम एक ही जगह से सारे गियर को अरेंज कर सके, उसको चेंज कर सके वेरियस स्पीड लेने के लिए। एंड शुड बी इर्गोनॉमिकली डिज़ाइन। इर्गोनॉमिकली यानी कि जो इस तरह से हम, जैसे कि हाथ से हम कार में गियर चेंज कर रहे हैं, तो एक हमें नियंत्रण आ जाता है, इजीली हम गियर को दूसरे 1st gear में से 2nd gear में इस तरह से गियर को हम चेंज कर सकते हैं। और अगर कोई अदर डायरेक्शंस में रखा जाए तो हमें प्रॉब्लम पड़ सकती है। नाउ द कंट्रोल यूनिट शुड बी इजी कंट्रोल। गियर बॉक्स में जो हम गियर स्पिंडल स्टेप्स हम वेरिएशन कर रहे हैं, जो हमें चाहिए डिजायर्ड गियर सेट कर रहे हैं, वो कुछ इजी वे में हमें करना है। एंड द कन्वीनियंट टू द ऑपरेटर, जो ऑपरेटर जो यूज़ करने वाला है उस गियर चेंज को, उसे आराम से कर सके और कन्वीनियंट हो उस ऑपरेटर के लिए। नाउ द एंटायर ड्राइव यूनिट लोकेटेड इनसाइड द मशीन टू। तो एंटायर ड्राइव है, जो भी स्पिंडल स्टेप्स है, गियर, शाफ्ट, वो कुछ एक ही मशीन टूल में पूरा आ जाना चाहिए, कोई अलग अलग पार्ट्स नहीं, किसी और जगह पर गियर होगा, किसी और जगह पर शाफ्ट या बैरिंग, इस तरह से नहीं। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मल्टी स्पीड ड्राइव यूनिट शुड बी लोकेटेड इनसाइड द मशीन टूल। इट शुड नॉट हैव एनी ऑक्सिलरी कंपोनेंट्स लोकेटेड आउटसाइड द मशीन टूल। कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं होना चाहिए जो इस मशीन टूल के अलावा बाहर कहीं रखा गया हो। फिर से एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्पिंडल स्टेप्स, हमें ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्पिंडल स्टेप्स चाहिए विद द इंक्रीमेंट ऑफ 10% to 15%। नाउ द स्पिंडल चेंजेस विदाउट द स्पीड चेंजेस विदाउट स्टॉपिंग द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर को स्टॉप्स करे बिना हम स्पीड चेंज कर सकते हैं। डिजायर्ड स्पीड चेंजेस डायरेक्टली विदाउट द गो थ्रू द ऑल इंटरमीडिएट स्पीड स्टेप्स।
द फोर्थ वन इज द वन सेट ऑफ द गियर्स एंगेजमेंट एट वन जैम. तो एक गियर एंगेजमेंट होगा एक टाइम पर, एक ही हो सकता है. नाउ द यूज ऑफ मिनिमम पॉसिबल पार्ट्स, जितना भी हो सके हम पार्ट मिनिमम पार्ट्स को यूज करेंगे. द सिक्स वन इज इर्गोनॉमिकली डिजाइन एंड सेंट्रलाइज कंट्रोल यूनिट. एक ही जगह से सेंट्रल से पूरी मैकेनिज्म कंट्रोल होनी चाहिए, उसके साथ वो इजी वे में हम उसे ऑपरेट कर सके, इस तरह से मैनेज करना चाहिए. नाउ द एंटायर ड्राइव यूनिट लोकेटेड इनसाइड द मशीन टूल. एक ही मशीन टूल में एंटायर ड्राइव लोकेट होनी चाहिए, जिससे कोई प्रॉब्लम हमें ना आ पाए.